सोलन के निकट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोणाजी में स्कूल प्रशासन की लापरवाही का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की जमा दो कक्षा के कंप्यूटर प्रैक्टिकल का प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों के करीब पौने एक घंटे देरी से दिया गया। गौरतलब है कि जोणाजी स्कूल में कंप्यूटर साइंस का जमा दो कक्षा का पेपर था। पेपर का समय सुबह 9 बजे का तय हुआ था, लेकिन 10:50 तक प्रश्न पत्र नहीं बांटे गए थे। परीक्षा संचालन कर रहे फिजिकल के प्राध्यापक ने 10:55 पर प्रश्न पत्र बांटा, लेकिन जब तक करीब 40 मिनट प्रश्न पत्र हल करने के लिए निकल गए थे। बताया जा रहा है कि परीक्षा संचालन करने वाले अध्यापक ही स्कूल लेट पहुंचे, जिस वजह से पेपर शुरू नहीं किया जा सका। आज कंप्यूटर साइंस का था प्लस टू का, और मुझे सुबह 9:10 पे पेरेंट्स के फोन आए जोणाजी स्कूल से कि अभी तक यहाँ पे एग्जाम शुरू नहीं हुआ। इन द मीन टाइम मैंने प्रिंसिपल को कांटेक्ट करने की कोशिश की, दो बार उनसे नहीं कांटेक्ट हो पाया। तीसरी बार उन्होंने फ़ोन उठाया तो मैंने पूछा उनसे कि ये इसकी वजह बताएं, आप क्यों लेट हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि कहीं उनकी बाहर कोई मीटिंग है डीसी ऑफिस में, और उन्होंने किसी सेकंड को चार्ज दे रखा है वहाँ पे। लेक्चर फिजिक्स हैं कोई रमेश जी, उनको ये ड्यूटी दे रखी थी एज कोऑर्डिनेटर, उनकी जगह जो उन्होंने काम करना था, और उन्होंने वो पेपर कंसर्न टीचर को देने थे। वो ये तो एक जो मतलब अगर लापरवाही है ये कितनी देर से शुरू हुआ जैसे बता रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी हम जैसे हमारे पास रिपोर्ट पूरी आएगी एक्शन लिया जाएगा। लेट ही पहुंचे होंगे, कभी लेट हुआ ये पेपर जैसे कहा जा रहा है वहां से। एन स्टार न्यूज के लिए सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट।